बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर 10 शुतुरमुर्ग। स्टार्ट कर रहे हैं। उड़ते दौड़ते चहचहाते तैरते और सुरीली तान छेड़ते पक्षी सभी को अच्छे लगते हैं। धरती पर भांति भांति के पक्षी पाए जाते हैं। क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा किंतु ना उड़ सकने वाला पक्षी कौन सा है? आइए इस पक्षी के बारे में पढ़ें और जानें। ठीक है, तो जो इस चैप्टर का नाम है ये उसी पक्षी की बात है। जो शुतुरमुर्ग है वो दुनिया का सबसे बड़ा और ना उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, ओके। तो काफी इंफॉर्मेटिव चैप्टर है ये, आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिलने वाली। ध्यान से देखते रहिए। हाथ में लिपटा हुआ एक चार्ट और डिब्बा लिए हुए अध्यापिका जी ने कक्षा में प्रवेश किया। सभी बच्चे जानने को उत्सुक हो उठे कि अध्यापिका जी क्या लाई हैं। अब क्योंकि जब आपकी टीचर हाथ में एक चार्ट लेके आएंगी, एक बॉक्स लेके आएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है क्यूरियोसिटी तो होगी जानने की कि आखिर क्या है चार्ट में और बॉक्स में। देखिए, अध्यापिका आती हैं और बोलती हैं, बच्चों आज हम एक विशेष पक्षी के बारे में बात करेंगे। सोच सकते हो किसके बारे में? बच्चे, एक साथ, मैडम, मोर, कोयल, बुलबुल, नीलकंठ, तोता, हंस। तो ऐसे अलग अलग बच्चों ने अलग अलग चॉइसेस बता। अध्यापिका, अरे वाह, तुम सबने तो इतने पक्षियों के नाम बता दिए, लेकिन हम आज बात करेंगे इस पक्षी के बारे में। अध्यापिका जी चार्ट खोलकर दीवार पर लगा देती हैं, यानी कि चार्ट में वो पक्षी है, तो इसलिए पक्षी का नाम ना लेके अध्यापिका जी ने सिर्फ बोला कि इस पक्षी के बारे में बात करें। ठीक है, नेहा, वन ऑफ द स्टूडेंट, अरे यह कौन सा पक्षी है? मैंने तो कभी नहीं देखा। कई बच्चे, हमने भी नहीं देखा। सौरभ, यह तो शुतुरमुर्ग है, मैंने देखा है चिड़ियाघर में। ठीक है, अध्यापिका कहती हैं, बिल्कुल ठीक, यह शुतुरमुर्ग है। ठीक है, आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी, यह मूल रूप से अफ्रीका का निवासी है। यह ना उड़ सकने वाला एक पक्षी। ठीक है, इसके बाद गीता। गीता कहती है, मैडम यह पक्षी है पर उड़ नहीं सकता। क्यों? अध्यापिका, अपने वजन के कारण। जानते हो एक शुतुरमुर्ग का वजन 60 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम तक होता है। पलक, मैडम इसकी गर्दन तो ऊंट की तरह लंबी दिख रही है। अध्यापिका, केवल गर्दन ही नहीं, इसकी टांगे भी लंबी होती हैं। तभी तो इसकी ऊंचाई 2.5 से 3 मीटर तक होती है। यह दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। इसके दौड़ने की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीजें आपको जानने को मिलेंगी इसके बारे में, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। पलक, इसका मतलब है कि यह घोड़े से भी तेज दौड़ता है। मैडम देखिए, इसके पाँव में केवल 2 ही उंगलियां हैं और केवल अंदर वाली उंगली में ही नाखून है।
अध्यापिका, वाह आर्यन, तुमने तो चित्र को बड़ी बारीकी से देखा है। इसके पैरों में कम उंगलियों का होना ही इसको तेज भागने में मदद करता है। इसके पंख भी दौड़ने में मदद करते हैं। इसके पंख लगभग 2.25 मीटर तक लंबे होते हैं। दौड़ते समय पंख इसके शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं और दिशा बदलने में सहायक होते हैं। ठीक है, आगे श्रुति बता रही है कुछ। मैडम, शुतुरमुर्ग खाता क्या है? बच्चों, शुतुरमुर्ग प्राय शाकाहारी ही होते हैं। ये घास, फूस, छोटे पौधे, बीज, फल, फूल आदि ही खाते हैं। कभी कभी कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। धरती के इस सबसे बड़े पक्षी के दांत नहीं होते हैं, इसलिए ये अपने भोजन को साबुत ही निगल जाते हैं। भोजन बचाने के लिए इन्हें कंकड़ खाने पड़ते हैं ताकि खाना पेट में पिस जाए और पच जाए। ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सब बच्चे हंसने लगते। मैडम, इसे कितने कंकड़ खाने पड़ते हैं? ओके, तो मैडम बताने वाली है कुछ। ध्यान से देखो, मैडम बोलती है, गिनती तो पता नहीं, पर हाँ, एक व्यस्क यानी कि यंग शुतुरमुर्ग अपने पेट में लगभग 1 किलो कंकड़ लेकर चलता है। यह पानी के बिना भी कई दिन तक जीवित रह सकता है, जैसे कि ऊंट रहता है, आर्यन ने बताया। ओके, हाँ, वैसे ही शुतुरमुर्ग की एक विशेषता और भी है। इसकी नजर और सुनने की शक्ति बड़ी तेज होती है। यह खतरे को दूर से ही भांप लेता है। किसी परभक्षी को देखकर यह भाग खड़ा होता है। ठीक है, और यदि संकट पास आता दिखाई दे तो छिपने के लिए अपने सिर और गर्दन को जमीन से सटाकर सपाट कर देता है। पर पक्षी को लगता है कि सामने कोई मिट्टी का ढेर पड़ा है। यह आत्मरक्षा के लिए अपनी टांगों का भी प्रयोग हथियार की तरह करता है। ठीक है, यानी किक कर सकता है, ये समझ आया? ओके, तुम जानकर हैरान होगे, पता ना कहाँ पढ़ूं मैं, यहाँ तुम जानकर हैरान होगे कि पैरों के एक ही वार से यह इंसान की जान ले सकता है। वैसे शुतुरमुर्ग एक शांति प्रिय पक्षी है, यानी इसकी टांगें बड़ी मजबूत और ताकतवर होती है। मैडम, इस डब्बे में क्या है? अध्यापिका जी डिब्बा खोलकर अंडा बाहर निकालती हैं। सभी बच्चे आश्चर्य से देखने लगते हैं। सभी बच्चे, इतना बड़ा अंडा? ठीक है अध्यापिका, यह शुतुरमुर्ग का अंडा है। संपूर्ण प्राणी जगत में शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। देखो यह क्रीम रंग का कितना चमकीला अंडा है। ठीक है मैडम, इस अंडे पर गोल्फ की गेंद की तरह छोटे छोटे गड्ढे भी हैं। ठीक है, तो वो मैम दिखा रही है, और गीता ने कुछ और अच्छा से ऑब्जर्व किया तो उसने बताया। अध्यापिका, हाँ बच्चों, इस अंडे का वजन 1.5 किलोग्राम तक होता है, जो मुर्गी के अंडे से 26 गुना अधिक है। मैडम, मैं इसे अपने हाथ में लूं? हाँ, क्यों नहीं, पर संभाल कर दोनों हाथ में। मैडम, यह तो सचमुच बहुत भारी और सख्त है। बच्चों, इस अंडे का छिलका चीनी मिट्टी के बर्तन जितनी मोटाई का है। इसे तोड़ना आसान नहीं है। अफ्रीका के लोग इसके खोल को
वाटर कंटेनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नाम मजिदाबाद। सभी घंटी बजती है, सभी बच्चे अध्यापिका जी का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। लिखा है निवासी। निवासी का क्या मतलब होता है? निवासी का मतलब होता है रहने वाला। ठीक है, रफ्तार। रफ्तार का मतलब होता है चाल। शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब होता है शाक सब्जी खाने वाला। साबुत यानी कि पूरा पूरा का पूरा। व्यस्क। व्यस्क यानी कि बालक यंग। परभक्षी यानी दूसरों को खाने वाला। भाप लेना, अनुमान लगा लेना। संकट। संकट यानी कि मुसीबत। पाट यानी समतल बराबर। आत्मरक्षा यानी अपनी रक्षा। और सख्त यानी कि कठोर। ठीक है, तो ये हैं शब्द अर्थ जो आपको याद करने। तो जिन बच्चों से मैं ऑफलाइन में मिलता हूँ, ठीक है, यानी कि जो मेरे ऑफलाइन वाले भी स्टूडेंट हैं, उनसे ये मैं सुनने वाला हूँ और लिखवाऊंगा। तो रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग सारा प्रिपेयर करके बैठे। इसके बाद है बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, अध्यापिका जी के कक्षा में आते ही बच्चे उत्सुक क्यों हो उठे? तो क्यों हो उठे? तो आप लिखेंगे कि अध्यापिका जी के कक्षा में आते ही बच्चे उत्सुक हो उठे। क्यों? वो भटका देते हैं। ठीक है, वो उठे क्योंकि क्योंकि उनके हाथ में, उनके हाथों में एक चार्ट और एक डब्बा था। ठीक है, तो उन्हें लगा कि टीचर जी कुछ लेके आई हैं, इसलिए वो उत्सुक हो गए। ठीक है, डब्बा था, मैंने है लिख दिया, था कर डब्बा था, क्योंकि पास्ट टेंस में ना, क्यों हो उठे पास्ट टेंस में। ठीक है, तो अध्यापिका जी के कक्षा में आते ही बच्चे उत्सुक हो उठे क्योंकि उनके हाथों में एक चार्ट और एक डब्बा था। अच्छा, इसके बाद है शुतुरमुर्ग उड़ क्यों नहीं पाता? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाता क्योंकि 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 इसका वजन क्योंकि इसका वजन इसका वजन 60 किलोग्राम 60 किलोग्राम से 60 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, किलोग्राम की स्पेलिंग में ला तो लिखाई नहीं। किलो ग्राम तक होता है। क्योंकि इसका वजन तो शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाता क्योंकि
इसका वजन 60 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम तक होता होता है। होता मैंने लिखा है हो तो इसको रख कर दिया, होता है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, इसके बाद है शुतुरमुर्ग खतरों का सामना कैसे करता है। तो शुतुरमुर्ग खतरों का सामना कैसे करता है, तो शुतुरमुर्ग की देखने और सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है, और जैसे ही इसे खतरा नजर आता है तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके मैं पीछे बुक से ही दिखा देता हूँ आपको। ओके, इसे लिखते नहीं है, पीछे बुक से ही दिखा देते हैं आपको, राइट? ओके, तो शुतुरमुर्ग खतरों का सामना कैसे करता है। ओके, तो देखिए पीछे चलते हैं बैक में। तो बच्चों इसमें आप लिख सकते हो कि इसकी नजर और सुनने की शक्ति बड़ी तेज होती है, यह खतरे को दूर से ही भांप लेता है, किसी पर पक्षी को देखकर यह भाग खड़ा होता है, यदि संकट पास आता दिखाई दे तो छिपने के लिए अपने सिर और गर्दन को जमीन में लटाकर सपाट कर लेता है, पर पक्षी को लगता है कि सामने कोई मिट्टी का ढेर पड़ा है, यह आत्मरक्षा के लिए अपनी टांगों का भी प्रयोग करता है, प्रयोग हथियार की तरह करता है। तो इस तरीके से वो अपने आप को बचाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा है, आप क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग ये आंसर लिख सकते। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुतुरमुर्ग के पंख उसके किस काम आते। ठीक है, तो ये भी हम पीछे से ही देखेंगे, ये भी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है आंसर, मैं आपको बुक में ही मार्क करा देता हूँ। बच्चों आंसर में आप लिखोगे कि इसके पंख, भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके पंख दौड़ने में मदद करते हैं, इसके पंख लगभग 2.25 मीटर तक लंबे होते हैं, दौड़ते समय पंख इसके शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं और दिशा बदलने में सहायक होते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि शुतुरमुर्ग मूल रूप से कहाँ का निवासी है। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैं मार्क करा देता हूँ आपको। तो बच्चों आंसर में आप लिखेंगे कि यह मूल रूप से अफ्रीका का निवासी है, बस। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुतुरमुर्ग का भोजन क्या है। ठीक है, तो बच्चों आंसर में आप लिखेंगे कि शुतुरमुर्ग प्राय शाकाहारी ही होते हैं, ये घास फूस, छोटे पौधे, बीज, फल फूल आदि ही खाते हैं, कभी कभी कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुतुरमुर्ग कंकड़ क्यों खाता है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि धरती के इस सबसे बड़े पक्षी के दांत नहीं होते होते ना, इसलिए ये अपने भोजन को साबुत ही निगल जाते हैं, भोजन बचाने के लिए इन्हें कंकड़ खाने पड़ते हैं ताकि खाना पेट में पिस जाए और पच जाए। ठीक है, तो इसलिए ये कंकड़ खाते हैं। आगे देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुतुरमुर्ग के अंडे की क्या विशेषताएं हैं।
ठीक है, तो इसकी विशेषताएं लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हो सकती हैं विशेषताएं। इसको बच्चों आप लिख सकते हैं थोड़े से पॉइंट्स में कि शुतुरमुर्ग के अंडे की विशेषताएं हैं। नंबर एक, ठीक है, तो नंबर एक में पहले शुतुरमुर्ग तो आपको मिल ही जाएगा, यहाँ से आप देख ही सकते हैं शुतुरमुर्ग के तो सिंपल ये अंडा विशेषताएं। हो सकता है किसी को दिक्कत हो लिखने में, तो वो आप ऐसे लिख सकते हो विशेषताएं, विशेषता है, ठीक है, विशेषताएं। तो विशेषताएं हैं, और हैं के बाद डैश लगा के फिर पॉइंटों में आंसर लिखना है इसका। तो नंबर वन में लिखेंगे आप कि संपूर्ण प्राणी जगत में शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। ये कौन सा पॉइंट हो गया? नंबर वन। इसके बाद नंबर टू लिखना है, तो नंबर टू में आप लिख सकते हैं, ये नंबर टू में आप लिख सकते हैं कि यह है क्रीम रंग का चमकीला अंडा होता है। ठीक है, कितना कट कर देते हैं, यह क्रीम रंग का चमकीला अंडा होता है। इसमें होता और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, होता है, होता होता है, ये कहाँ पे डालना है, यहाँ इधर, ठीक है, होता है। नंबर टू पॉइंट हो गया। नंबर थ्री में आप लिख सकते हैं कि इस एक अंडे का वजन 1.5 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, नंबर तीन और नंबर चार में आप लिख सकते हैं, एक और पॉइंट लिख देते हैं, लास्ट पॉइंट नंबर चार। नंबर चार में आप लिखेंगे, ये देखिए, ये लिख सकते हैं कि इस अंडे का छिलका चीनी मिट्टी के बर्तन जितनी मोटाई का होता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी का होता है, ठीक है। और अगर किसी को 5 पॉइंट लिखने हो तो नीचे एक पॉइंट और है, उसमें भी लिख सकते हैं, जैसे ये कि अफ्रीका के लोग इसके खोल को वाटर कंटेनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चार भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। आगे लिखते हैं, आगे क्या है, तो यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर तो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स करते हैं फटाफट से। सबसे पहला लिखा हुआ है कि शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, तो क्या करें, राइट, शुतुरमुर्ग मूल रूप से अमेरिका का निवासी है, क्या करें, रॉन्ग, शुतुरमुर्ग मांसाहारी पक्षी है, क्या करें, रॉन्ग, क्योंकि तो प्राय शाकाहारी है लेकिन खा लेता है, इसलिए पूरी तरीके से मांसाहारी नहीं कह सकते। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, राइट, शुतुरमुर्ग का अंडा पूरे प्राणी जगत में सबसे बड़ा होता है, राइट, शुतुरमुर्ग अधिक ऊंचा नहीं उड़ सकता, रॉन्ग, ठीक है, उड़ ही नहीं सकता, अधिक ऊंचा क्या। इसके बाद है भाषा, भाषा बोध, ओके, भाषा बोध देखते हैं क्या करना है। समझिए और विशेषण से संज्ञा शब्द बनाइए, तो जैसे मोटा का मोटाई हो गया, वैसे ही आप ऊंचा का ऊंचाई कर सकते हैं, तो ऊंचाई, 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 लंबा कर सकते हैं, लंबाई, लंबाई है ना, गहरा का गहराई, गहराई, चौड़ा का चौड़ाई, चौड़ा ई, नीचा का नीचाई, नीचाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दे रखा है विलोम शब्द चुनकर लिखिए, तो आसान का क्या होगा, मुश्किल, ठीक है, जो
चुनकर लिखने हैं तो चुन लेते हैं, तो आसान का क्या होगा? मुश्किल। शाकाहारी का क्या होगा? मांसाहारी। जीवित का क्या होगा? मृत। ओके, सख्त का क्या होगा? सख्त का होगा मुलायम। ओके, मुलायम। मोटा का पतला, शांति का अशांति। हो गया, चलो आगे करते हैं। आगे पढ़िए और सीखिए। शुतुरमुर्ग तेज दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है? तेज। आज हम इस पक्षी के बारे में बात करेंगे। कब बात करेंगे? आज। उसने बहुत सोचा पर कुछ नतीजा ना निकला। कितना सोचा? बहुत। पिताजी वहां खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? वहां। इन वाक्यों में तेज, आज, बहुत और वहां शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हुई। ये क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन है, वो आपको लर्न करनी होगी, कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब। तो जो एडवर्ब है वही हिंदी में क्रिया विशेषण। ठीक है, अब ऊपर दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। तो बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं तेज दौड़ता हूं, आप लिख सकते हैं कि मैं तेज दौड़ता हूं। मैं तेज दौड़ता हूं। ठीक है, आप इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। आज मुझे, आज मैं अपना पूरा काम करूंगा। ठीक है, पूरा काम करूंगा। बहुत, वह बहुत जोर से बोलता है। ठीक है, वहां मैंने, वहां किसी को आते देखा। बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने सेंटेंस में बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि सर भी कॉपी करनी है। अपनी भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी रखनी चाहिए, अपना भी थोड़ा सा दिमाग चलाना चाहिए। समझिए, लिखिए और दो शब्द पढ़िए। समझिए, लिखिए और दो दो शब्द पढ़िए। रा पे छोटा हो, तो रा पे छोटा हो ऐसा बनेगा, मतलब उ की मात्रा जब लगाएंगे रा पे छोटे हो की ना, तो वो पूरी नहीं लगती, बस आपने ऐसे ही लगा देनी होगी। जब पूरे बड़े हो की होती है तो वो पूरी लगानी होती है, बस ये फर्क है। जैसे रुपया, रुचि, गुरु, है ना, और क्या हो सकता है? रुमाल। ठीक है, रुमाल, रुमाल, ये रुमाल हो जाएगा। और रुक, और जैसे रूप, जरूर, रूठना, और रूपवती, रूपवती और रूपवान, ये नाम हो सकते हैं लड़के बच्चों के। इसके बाद है अनेक हाथी शब्द वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब लिखा है भाग, तो भाग एक तो भागना होता है और एक भाग हिस्सा। ठीक है ना, तो मैंने अपने दोस्त को कहा और तेज भाग। ठीक है, मैंने अपने मित्र से कहा
और तेज भागने को कहा। मैंने अपने मित्र को और तेज भागने को कहा। ठीक है, इसके बाद है भाग यानी कि हिस्सा। तो मैंने अपने भाग का काम पूरा किया, या मैंने अपने काम का कुछ भाग पूरा कर लिया। तो मैंने मैंने अपने काम का कुछ भाग पूरा कर लिया है, कर किया है। ठीक है, फिर है टांग यानी कि टांगना, और टांग यानी कि पैर। ठीक है, मैंने अपने कपड़े खुंटी पर टांग दिए। मैंने अपने कपड़े खुंटी पर टांग दिए। ठीक है, टांग तो शुतुरमुर्ग की टांग। ठीक है, शुतुरमुर्ग की टांग से बच के रहना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत चोट लग सकती है अगर मार गया तो। जान यानी कि प्राण, जान किसी को जानना। तो मैं अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को ठीक है, और जान यानी कि प्राण, शुतुरमुर्ग की टांग जान भी ले सकती है। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग की टांग इंसान की जान भी ले सकती है, ले सकती है। ठीक है, चलो ये भी खत्म हो गया। आगे देखिए, आगे लिखा है सोचिए और लिखिए। क्या लिखना है? कक्षा में अध्यापिका जी से चले जाने के बाद आर्यन, सौरभ, पलक और श्रुति क्या बोल बातें कर रहे होंगे? संवाद रूप में लिखिए। तो डायलॉग राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, आप लिखने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो जिन बच्चों को मैं ऑफलाइन पढ़ा ही रहा हूँ वो बच्चे मुझे दिखाएंगे, मैं चेक करूंगा, और जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते हैं मेरे से वो अपने घर में किसी भी बड़े को या अपने दूसरे टीचर्स को दिखा सकते हैं। ओके, इसके बाद है अब करने की बारी, गतिविधियां। ना उड़ने वाले फ्लाइटलेस अन्य पक्षियों के नाम मालूम कीजिए और इंटरनेट से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। चित्र इकट्ठा करके एक परियोजना बनाइए। तो एक प्रोजेक्ट हो सकता है ये, अगर मैम करवाएंगी तो करना पड़ेगा।
संकेत बिंदुओं के आधार पर सीढ़ी सब सीढ़ी पूरी कीजिए, बाएं से दाएं। मुश्किल का समानार्थी, मुश्किल का समानार्थी यानी कि कठिन है ना, उसको लिख सकते हैं। वैसे तो ये भी जरूरी नहीं है करना, बट चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, कठिन है ना। भीतर का समानार्थी ये कौन सा चीज है, भीतर यानी कि अंदर, तो ये जगह अंदर यानी अंदर। पक्का का समानार्थी, पक्का का समानार्थी यानी कि मजबूत, मजबूत 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 मजबूत। नाव चलाने वाला नाविक, ठीक है। और क्या है, और है मस्तिष्क का समानार्थी। तो मस्तिष्क का समानार्थी क्या होगा, मस्तिष्क का समानार्थी होगा दिमाग। ठीक है, यहाँ तक हुए सारे। और नीचे देखना, एक एक और होगा, मैं आपकी देखना, देखना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, है ना। फिर हवाई जहाज का समानार्थी, तो हवाई जहाज का समानार्थी हो जाएगा विमान, यहाँ हम लिख देंगे विमान। ओके, विमान, ठीक है। ओके, अब ये नीचे वाले लिख लेते हैं। तो नीचे वालों में बच्चों सबसे पहले कैसा करते हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, पूरा आ जाएगा यहाँ से देख। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कोमल का विलोम, कोमल का विलोम यानी कि कठोर, यहाँ लिख देंगे आप कठोर, कठोर कठोर हो गया। फिर आरंभ का विलोम यानी कि अंत। फिर खुशबू का समानार्थी यानी कि खुशबू, खुशबू का समानार्थी, खुशबू 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 क्या होती है, खुशबू का समानार्थी माँ से, माँ से क्या होगा, महक 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 महक। ओके, एक प्रकार का सांप यानी कि नाग। रात का विलोम दिन, ठीक है। और एक और है, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर का नाम रहेगा, जो अपने देश का ना हो यानी कि विदेशी, ठीक है। जो अपने देश का ना हो वो विदेशी, तो वी दे और शी, ठीक है। ये भी हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से चैप्टर हो गया बच्चों कंप्लीट, ठीक है। अब सर का काम हो गया खत्म, अब आपका काम बाकी है। हालांकि ये पीछे ये तो लिखे हुए थे सारे, हमने बेवजह मेहनत कर ली, चलो कोई बात नहीं, मेहनत करनी चाहिए, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अब इस चैप्टर को अच्छे से, वैसे सिंपल चैप्टर है, आसान है, अगर आपने दो चार बार ये वीडियो ही देख ली तो ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस तो जरूरी है, देखो बिना लिखे आप एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो सकते, ओके। तो पहले अच्छे से दो चार बार वीडियो देख के अपने आप को रेडी करो, और उसके बाद फिर एक एक चीज लिख के देखो, और चेक करो अपने टीचर्स से, बड़ों से, और जिन बच्चों को मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ उनका तो मैं खुद ही चेक कर लूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई प्रॉब्लम हो किसी तरीके की तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरा नंबर आपके पास है ही, और अगर कोई नया बच्चा है जिसके पास नहीं है तो उसके लिए मैं नंबर दे रहा हूँ, वो अपना नोट डाउन कर ले, 99 71 21 75 6, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।